example 3.6. Yes, for example 3.6 में दिया हुआ है क्यूब, क्यूब और ये बोला हुआ है क्यूब एक ये वायर से बना हुआ है और ये सारे के सारे वायर आर हैविंग सेम रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे वायर का रेजिस्टेंस सेम है. आर इज अ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो देख लेंगे एग्जांपल में. इसी वजह से रखो कि भी आर जितना रेजिस्टेंस है पॉइंट्स के नाम है ए, ये है बी, सी एंड डी, ई एफ, जी एच. We want to find out the resistance between A and G. ठीक है, A और G के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों के बीच में बैटरी लगा देंगे. ठीक है, इन दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे. ए और जी के अक्रॉस हम लोगों ने बैटरी लगा दी. अपने को बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है वो हम ही को एज्यूम कर रहा है. ठीक है, वी हैव टू एज्यूम बिकॉज़ यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है. तो वी विल एज्यूम इसमें से कितना करंट पास हो रहा है. तो ए से लेके जी तक देखो शॉर्टेस्ट पाथ कितने हैं, सी हाउ मेनी नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आर देयर अक्रॉस ए एंड जी. ए से लेके जी तक अगर हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ 6 मिलेंगे. ए से लेके अगर जी तक चले जाते हैं देर आर 6 शॉर्टेस्ट पाथ. मैं लिख देता हूँ एस, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एज्यूम कर लो यहाँ पे 6 शॉर्टेस्ट पाथ है. यहाँ से 6i जितना करंट इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, 6i जितना करंट अंदर जाएगा उसके 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ए से लेके जी तक जाना हो तो ये वाले पाथ से जा सकते हैं, ये वाले पाथ से जा सकते हैं. ठीक है, ऐसे जितने भी पाथ हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. इसलिए मैं यहाँ पे करंट मान लूंगा 3i 2i और 2i. यहां तक क्लियर हो गया, कुछ डाउट है यहां तक? यहां तक समझ में आया? ओके, कौन से पॉइंट पे डाउट है? हाँ, नो डाउट ऐसा बोल रहे हैं. मैं बोला नो या कुछ. ओके, अब देखो करंट जो है वो ऊपर चला गया, 2i जितना करंट ऊपर गया, यहां से उसको जाना है जी की तरफ. ठीक है, तो जी की तरफ ये वाले पास से जा सकते हैं या फिर ये वाले पास से जा सकते हैं. ठीक है, दोनों ही पास इक्वल है. ठीक है, सिमेट्री ऑफ पास, इसलिए करंट एग्जैक्टली टू ऊपर पार्ट में यहाँ पर भी डिवाइड होगा. आई और आई सिमिलरली ये वाला जो 2i जा रहा है वो भी आगे जाके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है. i एंड ऊपर की तरफ i. सिमिलरली ये वाला जो करंट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, i और इधर भी i. ठीक है, अब देखो एट पॉइंट h, एच पॉइंट पे देखो दो करंट आ रहे हैं एच पॉइंट की तरफ. एक ये वाला करंट आ रहा है, एक ये वाला करंट आ रहा है. ठीक है, दोनों ही करंट जा रहे हैं एच की तरफ. एच से जो बाहर निकलेगा वो कितना होगा, इट विल बी 2i. एच से जो बाहर निकलेगा दैट विल बी 2i.
सिमिलरली डी पॉइंट सॉरी एफ पॉइंट पे देखे अगर एट पॉइंट एफ दो करंट आ रहे हैं, ये करंट आ रहा है ये करंट आ रहा है, दोनों करंट मिलके टोटल कितना हो जाएगा रिजल्ट टू आई अगेन वैसे ही ये सी पॉइंट पे हो जाएगा अगेन टू आई। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? ओके अब देखो जी पॉइंट पे क्या होगा, तीन करंट आ रहे टू आई टू आई टू आई, तो टोटल जो करंट बाहर आएगा दैट विल बी सिक्स आई। जितना करंट बाहर आ रहा है और चेक करने के लिए करते हैं कि तो जितना करंट यहाँ से वापस अंदर भी जा रहा है। देखो ये वाला ने पहले रूल लगा दिया, तो ऐसे क्यूब वाले न्यूमेरिकल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाना। ओके जो हम लोगों ने लगा दिया, इसमें किसी पर डाउट है अभी किरचॉफ फर्स्ट रूल पे? क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद किसी भी एक पॉइंट के सॉरी किसी भी एक लूप के लिए किरचॉफ सेकंड रूल लगा दो। ये बैटरी का ईएमएफ ई कोई भी लूप के लिए किरचॉफ सेकंड रूल लगा दो। मैं लगा लेता हूं, देखो अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। लूप ले लेते हैं ए बी सी जी बैटरी और ए। समझ में आया कौन सा लूप है? ए से लेके गए बी, बी टू सी, सी से जी और जी से घुमा फिरा के वापस ए। ठीक है, ये वाला लूप हम लोग ले रहे हैं पूरा। इस लूप के लिए किरचॉफ सेकंड रूल लगा देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ए से बी की तरफ जब हम लोग जा रहे हो At that time we are going along the direction of current. Current की direction में जा रहे हैं और current की direction में जा रहे तो minus देना होता है, क्या आएगा therefore minus 2 IR, इसका result R है। इसलिए B से C की तरफ जा रहे तो again minus IR, C से G की तरफ जा रहे minus 2 IR, जी से गए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो लिखेंगे प्लस ई, किसी को तो वापस ए पे आ गए इसलिए जीरो। देयरफॉर ई का वैल्यू होगा 5 IR, ये स्टेप पे किसी को डाउट हो तो बताओ। किरचॉफ सेकंड रूल लगाया है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस लिया हुआ है, एनी डाउट? फाइव आई आर आ गया। अब देखो ये जो पूरा दिख रहा है, ठीक है, क्यूब क्यूब की जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो ऐसा जैसा होगा। यहाँ पे है बैटरी, यहाँ पे वो वाला रेजिस्टेंस जिसे हम लोग आर इक्विवेलेंट बोलने वाले हैं। क्यूब की जगह सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा देते, दैट इज आर इक्विवेलेंट। और करंट जा रहा है वो है 6 I, हम लोगों ने इमेजिन किया था अभी बैटरी का ईएमएफ है ई। तो फॉर ये दिस स्मॉल सर्किट वी कैन राइट ई इज इक्वल टू 6 IR, ई इक्वल टू आईआर होता है ना। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। क्या मिलेगा? आर इक्विवेलेंट 6 IR equivalent is equal to 5 IR, इसमें II कट हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा
R equivalent is equal to 5 by 6 R. ऐसा अगर क्यूब दिया हो तो R equivalent, equivalent resistance होता है 5 by 6 R. ओके और इसके बेसिस पे अभी हम लोग एक्सरसाइज का 3.6 वाला सॉल्व करेंगे. ये समझ में आ गया? सॉल्व एग्जांपल 3.6, ठीक है, ये आ गया ना समझ में यहाँ तक? यस. सो एग्जांपल नंबर 3.6 में सेम ऐसा ही दिया हुआ है, थोड़ा अलग मेथड से जरूर किया हुआ यहाँ पे. 3i का i i i फिर i by 2 i by 2, क्योंकि मुझे इसमें मजा नहीं आता इसलिए मैं यहाँ पे 6i ले लेता हूँ. यस. तो दिया हुआ ये है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट negligible interlacing is connected diagonally opposite diagonally opposite corners of a cube till network consisting 12 resistors. वही है resistance कितना है, एक का 6 ohm, और find करना है equivalent resistance of network. सबसे पहले R equivalent का formula क्या आया, it is 5 by 6 R. एक wire का resistance दिया हुआ है 1 ohm, तो R equivalent हो जाएगा 5 by 6 ohm. एक आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, पॉइंट में रखना आंसर. आगे फाइंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, करंट फाइंड करना है ईच एज के लिए. सबसे पहले टोटल करंट फाइंड करते हैं, टोटल करंट कितना होगा, तो सी E इज इक्वल टू आई आर इज द फॉर्मूला. यहाँ पे E का वैल्यू है 10 वोल्ट, करंट है 6i और R इक्विवेलेंट है 5 बाय 6 ओम हो जाएगा. We get 5i is equal to 10, तो i का वैल्यू मिल जाएगा 2 एम्पियर. ठीक है, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर. अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, टोटल करंट इज 6i, 6i के लिए कितना होगा, विल बी 12 एम्पियर. 2i जहां पे भी हो वहां पे होगा 4 एम्पियर, जहां पे सिर्फ आई ओ वहां पे 2 एम्पीयर. ओके, तो सारे के सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांच के लिए देख लेना क्या आ रहा है. अंडरस्टूड? जैसे ये रहा देखो 6i, यानी कितना होगा यहाँ पे 12, यहाँ पे होगा 4 एंड 4 एम्पीयर, यहाँ पे होगा 2 एम्पीयर. आपको सारे ब्रांच के लिए अलग अलग आंसर लिखना पड़ेगा. यू हैव टू सॉल्व दैट, हो जाएगा ना इतना, तो भी हर एक ब्रांच के लिए कितना करंट होगा. ये द सॉल्व एग्जांपल 3.6.